जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मेरे कई दोस्त मुझसे पूछते हैं कि यार आखिर पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट क्यों है भाई। पॉलिटिक्स में तो लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आता कब कौन किसके साथ है, कब कौन किसके अगेंस्ट है। मतलब आज अगर कोई इस पार्टी में है तो कल को वो उस पार्टी में चला जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। लोग ये तक कहते हैं कि वहाँ पर तो सब लोग ऐसा लगता है सिर्फ सेल्फिश लोग हैं और पब्लिक की वहाँ पर कोई भी नहीं सुनता, सिर्फ वहाँ पर पैसा छापने के लिए बैठे। लेकिन देखिए, पॉलिटिक्स आपको जीवन के बारे में भी काफ़ी कुछ सिखाती है। सबसे बड़ी बात तो यही कि भाई आप कभी भी किसी के ऊपर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। अब पंजाब की हम बात करते हैं। पंजाब में अब इस समय जो चुनावी समीकरण बन रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। मतलब अमरिंदर सिंह, कैप्टन अमरिंदर सिंह और सिद्धू, जो कि कांग्रेस के ही दो लोग हैं, इनके बीच में जो खटपट चालू है वो किसी से भी छुपी हुई नहीं है। अमरिंदर सिंह अपनी अलग ही लीग में चल रहे हैं, सिद्धू अपनी अलग ही लीग में चल रहे हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से भी मुलाकात करी। उसके बाद भी कई सारी अटकलें तेज़ हो गई थी कि भाई आखिर भविष्य में हमें क्या चीज़ देखने को मिल सकती है। लेकिन अब जो ये नई एक मैं कहूँगा पूरा कर्मकांड निकल कर सामने आया है, जिसमें ये भी बातें हो रही कि शायद प्रशांत किशोर जो हैं वो शायद सिद्धू, अमरिंदर और इन सब के बीच में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करने वाले हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की एंट्री हुई है वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाली है। और उस आम आदमी पार्टी और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में जो ट्वीट का आदान प्रदान चल रहा है उसको देखकर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि भाई नवजोत सिंह सिद्धू CM कैंडिडेट बन जाए आम आदमी पार्टी से। क्योंकि देखिए, अरविंद केजरीवाल ये चीज़ पहले ही बोल चुके हैं कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी जीतती है तो जो CM बनेगा वो कोई सिख ही होगा। तो ऐसे में कोई बड़ी बात नहीं है अगर हमको ये वाला एक समीकरण बैठता हुआ दिखाई दे। दरअसल पंजाब के CM पर हमलावर कांग्रेस विधायक नवजोत सिंह सिद्धू ने आम आदमी पार्टी की तारीफ करके नए सियासी समीकरणों की ओर इशारा कर दिया है। 3 दिन पहले आम आदमी पार्टी पर हमलावर सिद्धू ने अब उसकी तारीफ की सियासी गुगली फेंक कर सबको चौंका दिया। सिद्धू ने मंगलवार को ट्वीट कर कहा कि पंजाब में विपक्षी पार्टी आम आदमी पार्टी ने हमेशा उनके विजन और काम को पहचाना है। 2017 में बेअदबी, ड्रग्स, किसान और करप्शन के मुद्दे हों या अब राज्य का मौजूदा बिजली संकट हो या फिर अब मैं पंजाब मॉडल पेश कर रहा हूं, और वो जानते हैं कि वास्तव में पंजाब के लिए आखिर लड़ कौन रहा है। बता दें कि 3 दिन पहले दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार के पंजाब में थर्मल प्लांट बंद करने की याचिका को लेकर सिद्धू ने हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी चाहती है कि पंजाब में थर्मल प्लांट बंद हो जाए, पंजाब में बिजली संकट से पंजाबियों को परेशानी हो और किसानों की फसलें बर्बाद हो जाए। सिद्धू ने ट्वीट के साथ एक पुराना न्यूज़ वीडियो भी लगाया था जिसमें उनके राज्यसभा से इस्तीफा देने के बाद पंजाब में आम आदमी पार्टी की ओर से उनके लिए माहौल बनाने की बात कही गई है। वीडियो में आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह उनकी तारीफ करते हुए दिख रहे हैं। संजय सिंह कहते हैं कि वे सिद्धू को एक साहसिक कदम और बहादुरी भरे फैसले का स्वागत करते हैं। सिद्धू और उनकी पत्नी अकाली दल के भ्रष्टाचार, ड्रग माफिया, किसानों की बदहाली के खिलाफ आवाज़ उठाते रहे हैं। इसी वीडियो में आम आदमी पार्टी के पंजाब अध्यक्ष भगवंत मान सिद्धू की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। वे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने रोल मॉडल से बड़ा नहीं हो सकता। अगर सिद्धू पार्टी में आते हैं तो मैं सबसे पहला व्यक्ति हूँ जो उनका स्वागत करूँगा। पंजाब कांग्रेस में अभी भी अंदरूनी कलह चली रही है। हाईकमान की कमेटी के बाद CM कैप्टन अमरिंदर सिंह अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलकर आए हैं। इसके बाद भी कोई समाधान नहीं निकल सका है। सिद्धू के बारे में लगातार ये बात कही जा रही है कि वे मौजूदा कैप्टन सरकार में कोई भी पद लेने को तैयार नहीं है। पंजाब में राजनीतिक गणित को देखते हुए कांग्रेस किसी सिख चेहरे को पंजाब प्रधान का पद नहीं देना चाहती। ऐसे में सिद्धू को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाने की चर्चा चल रही है। इसके बावजूद पूरे संकट का अभी तक कोई भी समाधान होता नजर नहीं आ रहा। इस वजह से ये माना जा रहा है कि कहीं सिद्धू इसके जरिए कोई सियासी संकेत तो नहीं दे रहे। दरअसल पिछले महीने दिल्ली के CM और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पंजाब के दौरे पर पहुंचे थे। यहां उन्होंने ऐलान किया था कि पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी जीती तो सिख ही मुख्यमंत्री होगा। इस दौरान उन्होंने सिद्धू की तारीफ भी करी थी। उन्होंने कहा था कि वे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और हम उनका पूरा सम्मान करते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन इस बीच एक नई बात ये निकलकर सामने आई है कि भाजपा से कांग्रेस में गए सिद्धू ने मंगलवार को जो संकेत दिए उसके बाद से काफ़ी सारी घंटियाँ बजने लगी हैं। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग में प्रियंका गांधी, पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत और वरिष्ठ कांग्रेस लीडर KC वेणुगोपाल भी मौजूद थे। अगले साल पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में माना जा रहा है कि PK की ये मुलाकात सिद्धू और कैप्टन के बीच जारी झगड़े को सुलझाने के लिए हुई है। हालांकि इस बैठक में आधिकारिक डिटेल अभी तक कोई सामने नहीं आ पाई है।
2017 के विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ इलेक्शन में उतरने का फैसला किया था तो प्रशांत किशोर ही पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट थे। उन्होंने ही नारा दिया था कि यूपी के लड़के और यूपी को ये साथ पसंद है। हालांकि गठबंधन चुनाव नहीं जीता पाया। सामने आया कि प्रशांत चाहते थे कि इन चुनावों में चेहरा प्रियंका का हो और ऐसा नहीं हुआ था। 2021 में प्रशांत किशोर ने पश्चिम बंगाल में TMC की जीत के लिए योजना बनाई और दावा किया गया कि भाजपा अगर 100 के आंकड़े के पार कर गई तो वह चुनावी रणनीति बनाने का काम छोड़ देंगे। भाजपा 100 के भीतर सिमटी और प्रशांत का दावा कायम रहा। अब प्रशांत किशोर अमरिंदर के मुख्य सलाहकार हैं और वे भी महज 1 रुपए की सैलरी पर। अगले साल पंजाब के चुनाव भी हैं, ऐसे में पंजाब में उनकी मौजूदगी कांग्रेस के लिए बड़ी राहत की बात है। पर चुनाव से ऐन पहले सिद्धू और अमरिंदर का टकराव मुश्किल खड़ी कर सकता है। ऐसे में इसे तुरंत सुलझाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए प्रशांत किशोर से बेहतर कोई भी नहीं है। प्रियंका गांधी भी यूपी चुनाव को लेकर एक्टिव हो चुकी हैं। उन्होंने सोमवार को ही यूपी के कांग्रेस नेताओं से एक अहम बैठक करी। इस बीच राहुल और प्रियंका की मुलाकात से एक बार फिर अटकलें तेज हो गई हैं कि यूपी चुनाव में प्रशांत किशोर का रोल बड़ा हो सकता है और यह भी संभव है कि इसे ध्यान में रखते हुए ही कांग्रेस अपना गेम प्लान तैयार कर रही है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर इस समय राहुल गांधी और प्रियंका को समझना ज़रूरी है। क्योंकि अगर उन्होंने इन चीज़ों को नहीं समझा तो जिस तरीके से पंजाब में समीकरण यहाँ पर बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसी तरीके से बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि यूपी में भी उनको मुँह की खानी पड़े, क्योंकि पिछली बार भी ये चीज़ उनके साथ हो चुकी है। अब आप लोगों का इस पूरे मुद्दे के ऊपर क्या कहना है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि देखिए, राजनीति से आप दूर जाएँ या पास जाएँ, राजनीति आपके आसपास ज़रूर रहे। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।